नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में गठबंधन के सांसद प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मतगणना में प्रशासन चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मतगणना निष्पक्षता के साथ कराएगा, ऐसा हमें विश्वास है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए लोकसभा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने कहा कि जिस प्रकार से प्रशासन ने चुनाव निष्पक्ष रूप से कराए हैं, उसी तरह मतगणना भी निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन गाइडलाइन का पालन करें, हम किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। हम शांति के अनुयायी हैं, लेकिन हम ना मानेंगे ना मारेंगे। मतगणना से समानता होनी चाहिए। हरेंद्र मलिक ने कहा कि यह चुनाव हरेंद्र मलिक का नहीं, बल्कि यह चुनाव जनता और सत्ता के बीच का चुनाव है, इसलिए हम पूरी तरह निश्चिंत हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी ने कहा कि चुनाव बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है, इसी तरह मतगणना भी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। जनपद बिजनौर की नूरपुर सीट से सपा विधायक दीपक सैनी ने कहा कि हमने मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और हमारी दोनों सीटों पर जीत होगी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सत्ताधारी नेता भ्रम का माहौल बना रहे हैं, लेकिन बिजनौर व मुजफ्फरनगर सीट पर गठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी। ये पार्टी के संगठन में हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी और आदरणीय जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। राष्ट्रीय सचिव जी भी उपलब्ध है, दूसरे उम्मीदवार भी आदरणीय प्रमोद त्यागी जी वरिष्ठ नेता ये भी है। हम लोगों ने उसमें इन्होंने गिनती के मामले में कहा है कि चुनाव के बाद जो हो सबसे बड़ी बात है काउंटिंग की है, और काउंटिंग में हम निष्पक्ष काउंटिंग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गाइडलाइन जो आयोग ने जारी की है उनका अक्सर से पालन किया जाए, केवल इतना ही चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते, और विश्वास भी करते हैं कि जिला प्रशासन उसका अक्सर से पालन करेगा। अच्छा, चुनाव जब हुए थे 19 तारीख में, तब भी आपने कुछ अधिकारियों को सवाल ऐसे उठाए थे और आप भी उठा रहे हैं? आज भी उठा रहा हूँ, सबूत के साथ उठा रहा हूँ। और देखिए, तथ्य के साथ है, पर मैं फिर भी अपेक्षा करता हूँ, मैं मानता हूँ कि उस चुनाव में भी जिले के जो आला अफसर हैं उन्होंने बहुत दबाव झेल करके प्रयास किया होगा कि निष्पक्ष हो जाए। और बड़ी बात है कि जिले में कोई झगड़ा नहीं हुआ, चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ और वो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ ना कोई कैजुअल्टी हुई। तो फिर धन्यवाद तो बनता है भाई, उन्हें धन्यवाद तो हम देते ही हैं। और जो जिन लोगों ने काम किया था वो लोग हैं जो उनके द्वारा, दूसरे उम्मीदवार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपकृत किए गए हैं, उन पर एहसान किए गए होंगे, एहसान का बदला उतारने के लिए उन्होंने ऐसा किया। कोई शिकायत भी की आपने? आप कह रहे तथ्य हैं आपके पास, शिकायत तुझे भी कर दी थी, साथ के साथ ही हो जाओ तो क्या, इतने दिनों बाद क्या शिकायत करो, बासी रोटी कहाँ यार इतनी खाई। अब 4 तारीख के लिए क्या रणनीति? 4 तारीख का बताना, हमारे पार्टी के नेताओं ने तय किया है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश है, मुस्तैदी से काउंटिंग कराओ। सब लोग रहेंगे, सजग प्रहारी के रूप में रहेंगे, अपनी काउंटिंग कराएंगे। जो नॉर्म्स है, जो नियम है, सबसे पहले मशीन को देखेंगे, टाइम ठीक है नहीं है, मशीन टेम्पर्ड तो नहीं है, मशीन में का जो वो डाले गए हैं वो कैसे है, नंबर है नहीं है, दोनों के नंबर मिला होंगे, और सब बात देख करके तब काम करेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।